आज ख्वाजा मॉडल स्कूल के अंदर अंडर 19 वॉलीबॉल ख्वाजा कप वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था वहाँ के मैनेजमेंट द्वारा, और मुझे बतौर वहाँ कर्मचारी महासंघ अध्यक्ष होने के नाते एवं राजस्थान वॉलीबॉल संघ में संयुक्त सचिव होने के नाते मुझे वहाँ आमंत्रित किया गया था। तो वहाँ देखा कि अंडर 19 बच्चों की जो वॉलीबॉल चैम्पियनशिप 3 दिन की चलेगी, 19, 20 और 21 तारीख को, और उसके अंदर पूरे अजमेर शहर से तकरीबन 11 टीमें वहाँ इकट्ठी हुई है। और बच्चों का आप गेम देखिए, बच्चे बड़े हष्टपुष्ट और हाइट और मेंटेन, तो इसके अंदर उन बच्चों का वहाँ टूर्नामेंट्स हो रहा है। और ये मैनेजमेंट की एक बहुत ही अच्छी पहल है कि वो वॉलीबॉल को आगे बढ़ा रही है, और इसके अंदर जो बच्चों की 11 टीमें हैं उनके अंदर वहाँ लीग कम नॉकआउट सिस्टम से ये वॉलीबॉल चैम्पियनशिप हो रही है। 3 दिन बाद फाइनल होगा, बच्चों को पारितोषिक दिया जाएगा, और जो बच्चों का चयन होगा उनको उनका जहाँ भी मैनेजमेंट डिसाइड करेगा उनकी आगे टीम भेजने के लिए, तो वो एक स्टेट लेवल का टूर्नामेंट आगे जो राजस्थान में जहाँ भी उनका मैनेजमेंट तय कर रहा है वहाँ उनका सिलेक्शन करके भेजा जाएगा। तो मैं ख्वाजा मॉडल स्कूल के उस पूरे मैनेजमेंट का, प्रशासन का और जो भी वहाँ सहयोग दे रहे हैं उन सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, और बच्चों के खेल का और बच्चों का उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। कांति कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव राजस्थान वॉलीबॉल संघ राजस्थान।